खबर पौड़ी से। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर निशाना साधा। गोदियाल का आरोप है कि पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खलियुधार में मूलभूत सुविधा देने के बजाय इस विद्यालय को ही बीच शिक्षा सत्र पर बंद करवा दिया गया। गोदियाल ने कहा, जिस क्षेत्र में स्कूल है उसके नजदीक है धन सिंह रावत का पैतृक गाँव भी है। ऐसे में विद्यालय का बंद होना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हालांकि इस प्रकरण पर फोन पर हुई बातचीत पर खिरसू ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अश्विनी रावत ने बताया कि छात्रों के अभिभावक ने इस स्कूल की बजाय अपने बच्चों को अन्यत्र विद्यालय में पढ़ाने का लिखित पत्र विद्यालय को दिया, जिसके कारण विद्यालय को बंद करना पड़ा। आज मैं राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खलियुधार ग्राम सभा नौगांव और विकास खंड खिरसू, यहाँ पर मैं अभी हम स्थानीय हमारे न्याणगढ़ और नौगांव के भाइयों के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। और यहाँ पर आने का कारण यह है कि ये ग्राम सभा ये वीआईपी ग्राम सभा है। जहाँ तक ग्राम नौगांव की बात है, हमारे इस ग्राम नौगांव से हमारे सूबे के माननीय शिक्षा मंत्री इसी गांव के निवासी हैं। यहीं पर उनका गांव बगल में जन्मस्थान है, यहीं पर उनकी प्राथमिक शिक्षा इसी गांव में हुई होगी और आज वो सूबे के शिक्षा मंत्री हैं। और यहां आने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि यहां पर इस विद्यालय में ये ताला लटका हुआ आप देख सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सूबे का शिक्षा मंत्री, जिनके गाँव में ये राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खलियुधार स्थापित है, बीच सत्र में अभिभावकों की मर्जी के खिलाफ बीच सत्र में इस विद्यालय को बंद कर दिया गया। अभिभावक परेशान हैं, ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान दर दर भटक रहे हैं कि हमारी स्कूल बंद न की जाए, लेकिन मंत्री जी का फरमान है, मैंने सुना है कि अघोषित रूप से जो बीओ हैं उनको मंत्री जी का आदेश है कि ये स्कूल बंद होना चाहिए। और धमक भी इस बात की है कि मैंने ये सुना कि कुछ बालिकाएं इस विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था न होने के कारण जब नीचे से पानी भर के आ रही थी, पानी भरते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाया मैंने सुना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे स्कूल में पेयजल की व्यवस्था कर दी जाए। तो पेयजल की व्यवस्था नहीं बल्कि स्कूल बंद करना सरकार की प्राथमिकता में, सरकार ने स्कूल बंद करना ज़्यादा उचित समझा बजाय इस स्कूल में पेयजल की व्यवस्था कर दी। आज ये हाल सरकार के, इस स्कूल में इस दोनों गांव के, नौगांव के और न्याणगढ़ के करीब 55 छात्र हैं जो कि पहले से सामने 6 किलोमीटर की दूरी पर चौरीखाल में जो स्कूल है वहां पर चोपड़ा और चौरीखाल एक 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर चोपड़ा है जो कि कांग्रेस के समय में उचीकृत हुआ और उससे पहले चौरीखाल सब लोग जाया करते थे। आज भी बतेरे बच्चे यहाँ से चौरीखाल जाते हैं। करीब 50 बच्चे इन दोनों गाँव से ऐसे हैं जो दूर के विद्यालय में जाते हैं। माननीय मंत्री जी, बेहतर होता कि यहाँ पर अभी 12-14 बच्चों की संख्या थी, बेहतर होता कि आप इस स्कूल का उच्चीकरण करते, इसको हाई स्कूल करते, आगे चलकर इसको भी और उसका उच्चीकरण करते, बेहतर ये होता बजाय इसके कि आपने ये चुना कि यहाँ पानी पहुँचाने से बेहतर है, इसका उच्चीकरण करने से बेहतर है इसको बंद कर दिया जाए। ये बड़े अफसोस की बात है। जिस प्रदेश के मंत्री पर पूरे प्रदेश के शिक्षा का भार हो, वो शिक्षा के उन्नयन के लिए अपने ही गांव के एक स्कूल को बंद कर दें, ये इस लोकतंत्र में कालिक के रूप में अंकित होगा। इसलिए अभी भी अगर मंत्री जी तक ये बात पहुंचे और सूबे के मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस विद्यालय पर ये लगा हुआ ताला ये दोबारा खुल सके। इसके साथ साथ एक और मुद्दा है, और मुद्दा ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि देहरादून में सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिलाधिकारी देहरादून के हस्ताक्षर से एक आदेश जारी हुआ है कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी लोग जो सरकार के किसी बात से नाइंसाफी रखते हों, सहमत ना हो, वो धरना प्रदर्शन खुलेआम नहीं कर सकते। वो बंद जगहों पर धरना प्रदर्शन करें और वो मुख्यमंत्री जी का घेराव नहीं कर सकते। लोकतंत्र में ये तो सरकार का ये काम किस तरह है कि सरकार गला रेतने पे लगी हुई है और जिसका गला रेता जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि तुम आह भी न भरो, इसी प्रकार की बात है।
भाई धरना प्रदर्शन क्या कोई शौक से करता है? आज हमारे तमाम जो जो लोग हैं जैसे जैसे बेरोजगार हैं, वो अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं ताकि सरकार जागे। जो हमारे छात्र आज परीक्षा दे रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं नौकरी पाने के लिए, उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं। वो अपने इसके लिए करते हैं कि सरकार जागे। बीसों साल से दैनिक मजदूरी पे लोग काम कर रहे हैं और मांग करते हैं सरकार से कि हमें नियमित किया जाए। तो ये धरना प्रदर्शन सरकारों में, तमाम लोकतांत्रिक सरकारों में लोगों का धरना प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार इस लोकतांत्रिक अधिकार को समाप्त करना चाहती है। तो ये जो आज जिलाधिकारी देहरादून ने ये जो फरमान जारी किया है, इस फरमान के खिलाफ अगर आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप में कांग्रेस सड़कों पर भी उतरेगी। इस फरमान की खिलाफत की जाएगी। ये लोकतंत्र में ये फरमान, या तो सरकार काम करे, सरकार काम भी न करे और कहे कि हमारा विरोध भी मत करो, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। तो इसलिए चाहे सड़कों पर उतरना पड़े लेकिन सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध किया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।